Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Priya and I hope you all are doing great. So this is the next day aur agar aapne mera previous vlog nahi dekha hai to mere channel pe jaake zarur dekhiyega. I'm yawning right now because I'm super sleepy. It's 7 AM in the morning and we have early morning train, so let's go. Arey yaar, subah ka 7 baj raha hai, fir bhi traffic hai. Just kidding, upar red light hai, dekh lijiye. वैसे आज का मौसम काफ़ी अच्छा है बिकॉज अभी विंटर सीजन चल रहा है एंड मैंने आज तक गुवाहाटी की सड़कें इतनी खाली कभी नहीं देखी बिकॉज ऑब्वियसली मैं इतना सुबह कभी उठी ही नहीं हूँ एंड हम अभी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं. So everyone, we reached railway station and look at all those sleepy faces. वैसे मैं बहुत time बाद train से travel करने वाली हूँ, so I don't know how it's going to be like. और अभी हम सब लोग अपना bag scan करवा रहे हैं यहाँ पर. देखिए मेरे शक्ल की खुशी, पता नहीं आखिरी बार कब मेरे चेहरे पर सुबह सुबह की सूरज की किरणें पड़ी थी. मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है और हमारी ट्रेन आ गई है. ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले मैंने बिस्तर पकड़ा बिकॉज आई एम सो स्लीपी, तो मैं सबसे पहले थोड़ी देर के लिए सो गई. थोड़ी देर सोने के बाद मुझे थोड़ा फ्रेश फील हुआ तो मैं इन लोग के साथ आके थोड़ी देर नीचे बैठ गई एंड लुक एट देम एंजॉयिंग द जर्नी. सोके उठने के बाद मैंने खाया ये पाइनएप्पल एंड इट वाज स्वीट. बाय द वे, हमने स्लीपर क्लास टिकट बुक किया था. यहाँ पे आप अपना बैग टंगा सकते हैं, मिरर है और फोन चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड्स भी है. और अब मेरे उठने के बाद ये मैडम सो गई. थोड़ी देर बाद हमने किया लंच ट्रेन में. तो हमने ये थाली ऑर्डर किया था, ये फिश थाली है और ये कुछ 150 रुपये है. फिर हमें एक चिली मिलता है, एक करी मिलता है, दाल मिलता है, फिश करी मिलता है, ये रोटी है शायद ना, देख तो खोल के क्या है. रोटी नहीं है, राइस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा राइस है उसमें और ये पिज्जा है. शाम हो गई थी और स्नैक्स में हमने ये नमकीन खाया था जिसको चाट की तरह बनाया था भैया ने. थोड़ी देर यहाँ नीचे सबके साथ बैठने के बाद मैंने किया डिनर और मैं चली गई सोने. और सोते हुए मैंने ये किताब पढ़ी जो चेल्सी ने खरीदी थी. सो एवरीवन, इट्स द नेक्स्ट डे एंड वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. And it's so early in the morning कि अभी तक sunrise भी नहीं हुआ. It's 5 AM in the morning. एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, ट्रेन टिकट्स हमको 600 के अराउंड पड़ा था एंड काफ़ी लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम कहाँ आए हुए हैं. सो येस गाइज, यू ऑल आर राइट, वी आर एट कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय. यहाँ से निकलते हम चले गए अपने होटल और ये होटल का नाम है हीरा इंटरनेशनल. और इस होटल के साथ एक कैफ़े भी है जिस कैफ़े का नाम है डैडीज कैफ़े. और ये होटल लोकेटेड है न्यू टाउन में. और ये इस होटल का रिसेप्शन एरिया हमें पर डे 2500 पे करना पड़ रहा है विच इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव फॉर अ बजट ट्रिप. बट हम तीन लड़के कमरे में थी तो वी एनी हाउ मैनेज्ड. लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर. नथिंग सो स्पेशल, एक बेसिक सा अलमारी है, एक खराब फ्रिज है, एक आईना है और एक टीवी है और ये रही मैं. बट यहाँ के विंडो से एक अच्छा सा व्यू नज़र आता है जिसके बाहर से कौवा हमें देख रहा है. अर्ली मॉर्निंग था तो ज़्यादातर शॉप्स बंद थे, तो हमने पिया ये मटके वाली चाय टपरी से एंड देन वी हैड अ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में था रोटी, सब्जी और दही. फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट करके हम हुए तैयार. सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं गुवाहाटी में थी और आज हूँ मैं कोलकाता में. टू गो आउट टुडे आई एम गोना एक्सप्लोर कोलकाता. सो फर्स्ट वी आर गोना गो आई गेस विक्टोरिया मेमोरियल, इट्स अ म्यूजियम एंड देन वी आर गोना गो टू एक्सप्लोर लिटिल बिट ऑफ मार्केट. इट्स
New Town Market. I'm staying at New Town right now, by the way. And I got ready. I'm wearing this beautiful pink dress. And my friend, come here. She's wearing this beautiful Indian wear. Hello. This is our accessories. I'm wearing this. And this chain with this dainty ring. Chota sa ring hai. And then this bracelet. Show yours. See you guys. So yeah, this is our outfit. I really like these glasses. I recently bought these glasses. I don't like my hair falling on my face, to be honest. Look, it matches my outfit, guys. So let's go now. So हम सब तैयार होके निकल चुके हैं. It's day one in Kolkata and we all are excited. हम walk करते हुए जा रहे हैं because यहाँ से Victoria Memorial पास में ही है. और रास्ते में मुझे दिखा जुडियो. वॉक करके जाने का ये फायदा है कि हमें आसपास क्या है सब पता चल जाता है. और अभी हम पहुँचने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल. So guys, मैंने देखा ये बहुत ही प्यारा सा घोड़ा गाड़ी जिसपे सवारी करने का 500 रुपया लेते भैया. सो हम हैं विक्टोरिया मेमोरियल में. अभी देख सकते हैं मेरे पीछे. ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये एक म्यूजियम है और ये सेम मार्बल से बना है जो ताजमहल बनाने में यूज हुआ था. जो वाइट मार्बल उसी से बना है ये भी. एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज, जस्ट लुक एट दिस. ये दूर से ही काफ़ी सुंदर है और आसपास का सराउंडिंग भी उतना ही सुंदर है. यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा वाटर बॉडी है, ट्रीज है और अगर आप बैठ के चिल करना चाहते हैं तो हरे घास का एक मैदान भी है. चलो आसपास का सराउंडिंग तो देख लिया, अब हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर. बट अंदर जाने से पहले मुझे ये बहुत ही सुंदर सा आर्ट वर्क दिख रहा है कुछ. सो लेट्स जस्ट हैव अ स्नीक पीक एंड लेट्स गो. विक्टोरिया मेमोरियल घुसने से पहले आपको एक गेट मिलेगा और वहाँ पे आपसे टिकट का पैसा लिया जाता है 30 रुपीज. निकल चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल से और अब हम जा रहे हैं न्यू टाउन मार्केट. सो एवरीवन, वी हैव रीच्ड न्यू टाउन मार्केट और काफी सुंदर सा सनसेट हो रखा है मेरे सामने. अभी आए हैं न्यू मार्केट. इट्स न्यू मार्केट राइट? वी आर एट न्यू मार्केट. सबसे पहले तो हम कुछ खाएंगे बिकॉज़ वी आर रियली हंग्री. उसके बाद हम जाएंगे और थोड़ा सा न्यू मार्केट एक्सप्लोर करेंगे. एक्शन ड्रॉप हो जाएगा. हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं. ये होटल का नाम है LiQWYD और यहाँ पे हम थाली खाने आए हैं, बंगाली थाली. कोलकाता में आके बंगाली थाली नहीं खाया तो क्या खाया. तो मैंने ऑर्डर किया था बंगाली थाली विथ मोचा चिंगड़ी. इट्स अ बंगाली डिश जिसपे चना था और केले का फूल था और प्रोन्स था. स्टार्टिंग ऑफ विद दाल, इस पर एक भाजा मिलता है, पापड़ मिलता है, एक टमेटो की चटनी मिक्स वेज अलॉन्ग विद नींबू एंड मिर्ची. सो लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट. आई वॉज सो हंग्री एंड द मोमेंट आई हैड द फर्स्ट बाइट आई कैनॉट एक्सप्रेस how it felt. Oh.
तो खाने के बाद हम निकल गए मार्केट एक्सप्लोर करने एंड आई ट्राइड दिस ग्लासेस विच वॉज़ प्रिटी कूल एंड देन आई ट्राइड दिस वन ऑल्सो एंड मुझे ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत सारे ऐसे मैंने ग्लासेस ट्राई किए. लेट मी नो इन द कमेंट बिलो विच वन डिड यू लाइक द मोस्ट. मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे एंड अभी 8 बज चुका है. वी आर सो टायर्ड एंड अभी हम थोड़ा मोमो खाने के लिए बैठे हैं. एंड मेरा पैर इतना ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि मैंने हील्स पहन रखा था. तो हम खाने के बाद डायरेक्ट होटल चले गए और वहाँ पे हमने डिनर पे ऑर्डर किया था फिश करी दाल चावल एंड मिक्स वेज भी था. गुड नाइट. आई कांट शो देयर फेस बिकॉज़ दे आर स्लीपिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव प्राइवेसी बट good night from us. Good night, Shamishta. Good night.